गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू एपिसोड सचिन तलकर ब्लॉग। सो गाइज, मैं आज आपके लिए एक नई कंट्री ले आया। ओके गाइज, सो इसका नाम है गाइज ट्रुक्स एंड केकोस आइलैंड। ओके गाइज, ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। और इसका लार्जेस्ट सिटी है केकोस और स्मॉलर है ट्रुक। तो दो अलग अलग है लेकिन एक ही कंट्री है ये, ट्रुक्स एंड केकोस। ओके गाइज, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो गाइज, ये एटलांटिक ओशन एंड नॉर्थन वेस्ट इंडीज़ में लोकेटेड है। ठीक है गाइज, इस क्लोज टू बहामास, हैटी, डोमिनिक रिपब्लिक, मयामी, इसलिए क्लोज टू यूएस भी है। और रेस्ट ऑफ जो कंट्री आपको मैंने कही, मयामी, बहामास, हैती, डोमिनिक रिपब्लिक, इसके पास में पड़ती है। ओके गाइज, अभी हम इसके कैपिटल पे आते हैं। गाइज, इसका कैपिटल है ग्रैंड ट्रुक। ओके गाइज, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है गाइज यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ पे फुल्ली इंग्लिश चलती है गाइस, सो नो सेकंड लैंग्वेज। तो इंग्लिश है तो फॉरेनर्स के लिए अच्छा है, काफ़ी हम लोगों के लिए कम्युनिकेट करने के लिए, राइट ना गाइस। और इसकी इथनी ग्रुप्स पे आते हैं हम, तो 88% गाइस यहाँ पे अफ्रीको कैरिबियन है, 8% यूरो कैरिबियन है। ओके गाइस, 4% मिक्स है गाइस। ठीक है, हम अभी करेंसी पे आते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसकी करेंसी है USD, अमेरिकन डॉलर्स। और आपको तो पता है ये अमेरिकन डॉलर्स हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी पे, तो 80-85 जैसे अप डाउन होते रहता है इसका रेट्स। ओके गैस, अभी हम इसके ड्राइविंग साइड पे आते हैं गैस। तो इसकी ड्राइविंग साइड है लेफ्ट और इसका कॉलिंग कोड है +1649। ओके गैस, अभी हम इसके पॉपुलेशन पे आते हैं गैस। तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, स्मॉल आइलैंड है, तो इसकी पॉपुलेशन है ओनली 40,000। ओके गैस, अभी हम वीज़ा का आते हैं हम। तो इंडियंस को वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड फॉर 90 डेज़। सो 90 डेज तक इंडियंस को ऑनरेबल वीज़ा है गैस, नो वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर 90 डेज़। ये फिर भी इमिग्रेशन के ऊपर डिसाइड करते हैं, हम वहाँ पे लैंड होते हैं और वहाँ पे इमिग्रेशन डिसाइड करते हैं कितना। अप टू तो 90 डेज़ मिल ही जाएगा आपको, लेकिन कभी कभी कुछ होता है, फंड्स वगैरह कम रहते हैं, होटल रिजर्वेशन लिमिटेड होती है, तो शायद दे दे वो, लेकिन 90 डेज़ का तो आपको वीज़ा ऑनरेबल मिल ही जाता है। ठीक है गैस, तो वीज़ा की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके गैस, अभी हम आते हैं एवरेज सैलरी पे, लोएस्ट सैलरी पे और मैक्सिमम सैलरी पे। ठीक है गैस, तो इसकी लोएस्ट सैलरी वहाँ पे मिलेगी आपको तो 380 USD मिलेगी। एवरेज सैलरी मिलती है गैस 1,490 और हाई सैलरी मिलती है गैस 6,640, डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिग्री। आपने क्या किया है, किस फील्ड में आप जा रहे हो और क्या काम करोगे। ठीक है गैस, अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, डॉक्टरेट हो या MBA हो, CA, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, और अगर लेबर वर्क के लिए जा रहे हो आप, एकदम लो लेबर वर्क के लिए, होटल स्टाफ के लिए, इसलिए वेटर के लिए, तो आपको 400-500 तो मिल ही जाएगा। तो फिर भी वो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि USD चलता है, आपको तो USD का तो करेंसी पता है, कन्वर्शन रेट कितना है। ओके गैस, तो ठीक ठाक ही सैलरी मिल जाएगी। अभी हम इसके आते हैं, हम इसके फ्लाइट रूट पे किस तरह से जाना है हमें वहाँ पे। ठीक है गैस, तो यहाँ पे एक ये है गैस दिक्कत, क्या यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट कोई भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट हम यहाँ पे नहीं जा सकते ट्रुक्सन के को आइलैंड पे, तो हमें ट्रांजिट लेके ही जाना है। लेकिन ट्रांजिट में आपको गैस या तो US होल्ड करके जाना पड़ेगा या लंदन होल्ड होके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दो तीन कंट्रीज हमें ट्रांजिट में रुकना पड़ता है। एक तो चलो, एक दोहा से आप जा सकते हो, अबू धाबी से जा सकते हो, लेकिन वो भी कहाँ पे, मुंबई टू अबू धाबी, उसके बाद न्यूयॉर्क लग जाएगा या फिर लगेगा हैथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे दोनों के लिए इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा लगता है। ठीक है, मैं अबू धाबी और दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लंदन और न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। तो गाइज, आपको यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, बड़ी बड़ी कंट्री में ट्रांजिट में रुकने का भी, आप अगर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आते हो तो भी आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा वहाँ पे। तो बेटर आप पहले ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए, और वो इजी है क्योंकि आपको ट्रांजिट वीज़ा, दैट मीन्स आपको सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही रुकना है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर इस कंट्री जाना है तो आप ट्रांजिट वीज़ा ले लीजिए, बाद में इस कंट्री के लिए ट्रैवलिंग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन पे तो इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा वीज़ा लगता ही नहीं है। ठीक है गाइस, दिक्कत ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, हमें ट्रांजिट लेके जाना पड़ता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि हम ट्रांजिट लेते तो अबू धाबी दुबई में हमें ये नहीं लगेगा, ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, लेकिन जो US से हो गया, यूरोपियन कोई भी कंट्री से हम ये करते हैं। ठीक है गाइस, लंदन हम रुकते हैं ट्रांजिट में, तो फिर हमें ट्रांजिट वीज़ा लगता है। तो बेटर इस कंट्री जाने से पहले, प्लान करने से पहले, आप ट्रांजिट वीज़ा लगवा लीजिए, बाद में आपको फ़्लाइट इजी पड़ेगी,
फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। बीच में ट्रांजिट वीज़ा आपके पास होगा तो कम फेयर में आप इजी रूट पे जा सकते हो। ओके गैस, और कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके गैस, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन तिलक ब्लॉग, हैव गुड मन, बाय, टेक केयर, बाय।